So my name is Amarjot Singh. It's close to 12:35 in Edmonton, Canada, and I'm talking to Amit Singh in Mumbai. Mumbai mein ho, correct, Amit? Yes, yes, sir. Bataye mere liye kya hukum hai, kya aapki questions hai, puchhe. Actually, hum log pool mein hai from December 2018, and that time I was 32. तो पॉइंट्स हमारे पूरे बन रहे थे उस रिगार्ड्स में एंड आईएलटीएस में भी मेरा बैंड 9 आया था तो वी वर वेरी होपफुल कि पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे बिकॉज द मैक मेरे पास अभी फिलहाल बैचलर्स की डिग्री है आई हैव डन माय मास्टर्स बट उसका मैंने इवैल्यूएशन नहीं किया हुआ है ईसीए का तो जो हमारे हिमालयन यूनिवर्सिटी ये कहां यूनिवर्सिटी ईटानगर अच्छा ये रिकॉग्नाइज्ड है इसकी इवैल्यूएशन हो सकती है कि नहीं है हां मेरा बैचलर्स भी वहीं से था तो डब्ल्यूएस से हो गया उसका तो द सेम यूनिवर्सिटी मेरा एमबीए भी है तो आई एम होपफुल वो भी हो जाए ओके तो बेसिकली अभी ये पेंडेमिक की वजह से हमारा ईसीए भी रुका हुआ है एंड पॉइंट्स हमारे अभी फिलहाल बन रहे हैं 403 and 403 ठीक है ठीक है ओके एंड हम लोग ने जो ओपन ये थे पीई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड सस्कैचुअन यहाँ पे जहाँ पे वर्क परमिट की जरूरत नहीं थी तो वहाँ पे हमने पीएनपी भी लगा रखी थी बट दैट इज आल्सो नॉट मेरा एनओसी कोड बहुत जेनरिक होने की वजह से वहाँ भी नहीं हो पाया है इन दो सालों में तो वी वर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस कि मतलब अभी फिलहाल में यूकॉन का भी सुनने में आया था बट दैट इज आल्सो वेरी क्लोज कम्युनिटी जहाँ पे इतने एंड यू नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम देयर तो काफी कंफ्यूजन चल रहा था तो वी जस्ट वांटेड सम एक्सपर्ट एडवाइस कि कैसे हम लोग आगे ट्राई कर सकते हैं सर उसके लिए तो उसके लिए मेरे से क्या हेल्प आपको चाहिए जैसे कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड लॉयर्स होते हैं तो वो तो जो भी सिचुएशन है आपकी जो लीगल सिचुएशन है जो प्रोसीजर है उसमें वो दे आर स्टक यू नो वी कैन नॉट चेंज एनी रिक्वायरमेंट तो जैसे आपके अगर आपको पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं तो आपको एजुकेशन चाहिए जैसे मास्टर डिग्री चाहिए इंग्लिश हाई चाहिए जॉब ऑफर चाहिए आपके रिलेटिव्स वगैरह की पॉइंट्स मिलते हैं तो ये सब पॉइंट्स हैं तो जिसके पास हैं वो जो हैं हाउ कैन आई मेक थिंग्स हैपन फॉर यू कोई भी इमिग्रेशन लॉयर कंसल्टेंट कोई इसको आपके लिए फेवरेबल बना नहीं सकता जो पॉइंट्स आपको चाहिए हैं वो अपने आप अपने स्टेप करके अपने आप स्टेप लेके आप कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं ओके तो हम लोग का ये फर्स्ट डाउट ये था कि शुड वी कम देयर एज अ on a study visa and then uske bare mein hum baat kar lete hain ek ek karke baat kar lete hain to pehla question aapka study visa ka hai dusra question kaun sa hai dusra question ye hai ki kya hame UConn mein visit visa pe jana chahiye and try to get in touch with employers there kya wo log hamara iske bare mein bhi baat kar lete hain dus maine sun liya aapka question teesra question kya hai aapka तीसरा क्वेश्चन है कि कितने सालों तक और हमें ट्राई एक्सप्रेस एंट्री पूल में रहना चाहिए विद एवरी ईयर पॉइंट्स कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ माय एज तो कितने साल हमें और यू सजेस्ट कि पूल में रहना चाहिए चलो ठीक है तीन क्वेश्चन रुक जाते हैं उसके बाद फिर देखते हैं तो sure. हम भी ये स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपने कहा कि विजिटर वीज़ा लगाकर आपको घूम के आना चाहिए और एम्प्लॉयर्स को सर्च करना चाहिए इट्स अ गुड आइडिया आई ऑलवेज रिकमेंडेड के लोगों को आना चाहिए विजिटर वीज़ा लगा के अगर विजिटर वीज़ा लगता है तो लेकिन आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है विजिट वीज़ा लगना एक नियरली इम्पॉसिबिलिटी है अभी आपका एक जनरली आपको घूमने के लिए जाना है कैनेडा तो कैनेडा विजिट वीज़ा आपको देगा नहीं और अगर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जब कोरोना वायरस जब ठीक हो गया तब भी वो दे देगा विच आई डोंट नो क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस के आपके टाइज कैसे बनते हैं कैसे इस्टेब्लिशमेंट है उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलता नहीं मिलता इट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द वीज़ा ऑफिसर सिटिंग इन न्यू दिल्ली हाई कमीशन सो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता लेकिन हाँ जिन लोगों के पास वीज़ा है
या वीज़ा मिल जाता है उन्हें, तो आपको कनाडा में घूमकर देखने का, मिलने का एक मौका मिलता है। आप लोगों से मिल सकते हो, जो पुराने लोग रहते हैं उनसे मिल सकते हो, जो कंपनी से मिल सकते हो, कोई अगर इंटरव्यू को बुलाता है तो इंटरव्यू कर सकते हो। इट्स अ गुड आइडिया, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको मिलना चाहिए, पहले देखना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को दिल्ली से मुंबई अगर मूव करना है, मुंबई से अगर चेन्नई जाना है, तो पहले उस सिटी में जाकर देखना चाहिए कि कहाँ रहना है। तो एक करेक्ट ये तो कनाडा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये घूमना और देखना इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन उसका आंसर आपके पास ही है। आपके पास वीज़ा है नहीं तो वो पॉसिबिलिटी अभी तो डिस्कस करने वाली नहीं है, जब होगा तब आप कर लेना। तो ये तो ये है, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जो आपने पूछा कि कितने साल तक आपको एक्सप्रेस एंट्री पूल में रहना चाहिए, एक्सप्रेस एंट्री पूल तो 12 महीने बाद अपने आप वो उसको रिसर्कुलेट होना रिन्यू पड़ता है, करो, उसको आपको दोबारा आना पड़ता है, तो उसमें तो आपके करेक्ट पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास 1 साल 2 साल आप देख रहे हो, अगर आपके पॉइंट्स आपके 403 तक है चल रहे हैं, और मास्टर डिग्री के बाद भी अगर मिलती है आपको, अगर आपके पॉइंट्स आपके 425, 30, 35 तक पहुंच जाते हैं, फिर भी आप अभी बहुत नीचे हो उसमें, तो करेक्ट ये इसका आंसर तो मैं दे नहीं सकता कि आपको कितने साल रहना चाहिए। जितने साल आपके पास पेशेंस है उतने साल रहें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक एक्सप्रेस एंट्री पूल में रहने का एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा एक और भी है कि जब भी आप किसी PNP के लिए अप्लाई करते हो, AIPP अप्लाई करते हो, PNP अप्लाई करते हो, जैसे आपने यूकॉन का नाम लिया, कहीं पर भी अप्लाई करते हो, अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपकी प्रोफाइल जिंदा है, वैलिड है, तो उसमें उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के पूल के अंदर से ही आपको नॉमिनेशन के लिए आपको एक इनविटेशन दे सकते हैं, जैसे अल्बर्टा में होता है, ओंटारियो में होता है, बहुत जगह होता है, आई एम श्योर यूकॉन में भी होता होगा ये। तो उसमें एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल मांगते हैं कि यू मस्ट हैव अ वैलिड प्रोफाइल। अगर आपके पास बोलो कि भाई मेरे पास प्रोफाइल ही है नहीं, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल इन दिस क्लास, तो आपको हटा देते हैं। तो आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जब तक आपके पास चलती है, जब तक जिंदा रह सकती है, उसको जिंदा रखो, ये मेरा मेरा जवाब है। अब आप पहले वाले सवाल पे आते हैं, जो सेकंड और थर्ड सवाल हो गए आपके, पहले सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि स्टडी वीज़ा करना है। स्टडी वीज़ा अच्छा ऑप्शन है, बहुत लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं यहाँ पर, कई मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, इसमें करीब 2 लाख+ स्टूडेंट आते हैं इंडिया से हर साल पढ़ने के लिए। तो अगर आपके पास भी पढ़ने की ये गुंजाइश है, डेट मीन्स आप पढ़ाई कर सकते हो, आप या आपकी वाइफ कोई भी कर सकते हैं, तो स्टडी वीज़ा कर लो। स्टडी वीज़ा में दो रिक्वायरमेंट जरूर हैं, एक तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन लगनी है, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन लगनी है। करेक्ट और तीसरी एक बात और मैं ऐड कर दूँ, अगर आपने पूछा भी नहीं है लेकिन मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है, और सॉरी मास्टर्स है ना आपके पास, हाँ हिमालयन से, हाँ, तो आपको बहुत हाई लेवल का कोर्स चाहिए, छोटे मोटे जूनियर कॉलेजेस से, जो टोरंटो के कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपकी बात बनेगी नहीं, क्योंकि वीज़ा के चांसेस वहाँ कम हो सकते हैं आपके, क्योंकि आप मेच्योर स्टूडेंट हो थोड़े से, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए करेक्ट आप उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कोई PG डिप्लोमा ले लें, मास्टर डिग्री ले लें, या मास्टर्स कुछ और एडवांस कुछ ले लें, ऐसा यूनिक चीज़ लें जो आपके पास शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, और उसमें करें, करेक्ट इंग्लिश इंप्रूव करें, पैसा दिखाएं और अप्लाई करें। आपकी वाइफ की क्या एजुकेशन है? उनकी भी बैचलर्स डिग्री है, उसके बैचलर्स इन पास आर्ट्स। मास्टर्स है? नहीं, उनके पास मास्टर्स नहीं। उसका प्रोफेशन क्या है? वो तो फिलहाल हाउसवाइफ है, बिकॉज हमारा बेबी हुआ तो शी इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ। पहले पहले क्या काम किया उसने इससे पहले? इसके पहले शी वाज वर्किंग एट ये रिटेल में थी, बेसिकली रिटेल, रिटेल में काम। मतलब व्हाट यू मीन रिटेल, थोड़ा सा समझाएंगे जरा क्या मतलब, व्हाट यू मीन रिटेल? सेल्स एसोसिएट इन रिटेल स्टोर। शी कितने वाज साल? बेसिकली वर्किंग एट द मुंबई एयरपोर्ट, वहां पे ड्यूटी फ्री में शी वाज वर्किंग इन अ स्टोर एज अ सेल्स एसोसिएट। अच्छा, कितने साल पहले? 1 साल 2 साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले, ठीक है। और आपने आपने मास्टर्स कर रखी है, हिमालयन से कर रखी है, और दोबारा बोले जो आपने क्या, आपका प्रोफेशन क्या था दोबारा, मैंने सुना नहीं ध्यान से। मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर, बट ओके, आई हैव नथिंग टू डू विथ आईटी। मेरा बेसिकली अकाउंट हैंडलिंग का कोई बात प्रोफाइल नहीं, क्लाइंट 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 मैनेजमेंट है आपका, क्लाइंट। मैनेजमेंट। अभी जॉब चल रही है? हाँ, हाँ, चल रही है। बहुत अच्छी बात है। सैलरी पूछ सकता हूँ कितनी ऑन एन एवरेज, अगर प्राइवेट या बताना ना हो तो उन्हें बताएं कितनी ऑन एन, 50,000+ है, लाख रुपए है? हाँ, हाँ, तो फिफ्टी ठीक है, थाउजेंड प्लस ठीक है, गुड। तो आप ऐसा करें, आप कोई ना कोई कोई ऐसा कोई PG डिप्लोमा आप ले लें, अपने ही कोई IT मैनेजमेंट या IT रिलेटेड ऐसा कुछ कोर्स, ऐसा कोई कोर्स ले लें, 2 साल का कोर्स लें, 2 साल से आपको भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का कोर्स ले लें। मेरी सिफारिश ये है कि आप यूनिवर्सिटी में लें, छोटे मोटे कॉलेज में ना जाएं, क्योंकि आपके वो लेवल की पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो PG डिप्लोमा 2 साल का ले लें। और अगर आपको
अगर आपको सेकंड मास्टर डिग्री लेनी है तो वो भी मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन इन सम ओकेजन आई टेल देम क्योंकि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहां से आपने एमबीए करा हिमालय से दोबारा करोगे तो वीजा ऑफिसर को एक बहाना मिल जाएगा कि आपने पढ़ाई तो आपकी डबल हो रही है। तो अगर आपको लेकिन बहुत ही एक हाई यूनिवर्सिटी में, जैसे हाई यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, कैलगरी में, अगर आपको एक जनरल एमबीए आईटी और ऐसा कुछ मिलता है तो नथिंग लाइक इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज आई सी, आप वो ले लें। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं, आप पीजी डिप्लोमा का ले लें आईटी टाइप, और उसमें आप वीज़ा अप्लाई कर लें। इंग्लिश का आपका स्कोर कितना है, इंग्लिश का IELTS, मेरा लिसनिंग 8 था, राइटिंग 7.3, रीडिंग 8.5 एंड स्पीकिंग 8। अच्छा, बस ठीक है। आपकी तनख्वाह चल रही है, आपकी सैलरी शो हो रही है, आपके पास फंड्स हैं, तो आपकी प्लानिंग करें और आप अप्लाई करें। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आप अप्लाई करेंगे, किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज में, पीजी डिप्लोमा में करेंगे, तो करीब करीब आप मान के चलें 18,000 से 20,000 डॉलर साल की फीस आने वाली है। और वो आपको फीस पहले एडवांस पे करनी पड़ेगी, आपके जो लिविंग एक्सपेंस है मिनिमम 10,000 का GST डालना है, तो 30,000 डॉलर का खर्चा यहीं पर है। और अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर 15-16 लाख रुपए हैं आपके पास सेविंग्स शो कर रहे हैं, तो आपको स्टडी वीज़ा मिलने में मेरे को कोई लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इवन दो यू हैव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ये कभी बहुत लोग क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि मेरे पास कई क्लाइंट हैं जिनके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होते हुए भी स्टडी वीज़ा लगे हुए हैं, और जिनकी PNP भी जिन्होंने लगी थी उनको भी मैंने टूरिस्ट वीज़ा और दूसरे वीज़ा भी दिलवाए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी जो PR की इंटेंशन देखते हुए वो स्टडी वीज़ा देंगे। आई डोंट एग्री विद इट एंड आई हैव एम्पल प्रूफ दैट दिस हैज नॉट हैपेंड। सो आप अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा, आपको अच्छे चांसेस हैं। ओके सर, तो एक और इससे रिलेटेड बात की है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट इफ आई एम डूइंग अ 2 इयर्स कोर्स, तो वो शायद 3 साल का मुझे मिलता है। शायद नहीं, पक्का 3 साल का मिलेगा। तो अभी जैसे ये कोर्स की फीस थी, जैसे आपने बताया, मैंने भी सर्च की है, तो इट इज अ बिट ऑन अ हायर साइड फॉर मी राइट नाउ। एंड मैं सोच रहा था कि जैसे 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है, इफ आई डू दैट, तो मुझे 2 इयर्स का 1 साल का वर्क परमिट और मिलेगा, इफ द कोर्स इज 12 मंथ्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यू आर नॉट रॉन्ग। देखो, प्रॉब्लम इसमें है कि आप 1 साल करें या 2 साल करें, ठीक है, खर्चा आपका तो आधा होने वाला है, लेकिन वीजा के चांसेस क्या है? वीजा के चांसेस अगर आप 1 साल करेंगे या 2 साल करेंगे, तो दो साल करेगा उसके चांसेस ज्यादा हैं आपसे। तो चक्कर ये है कि ना, आपने इतना सारा तामझाम करने के बाद अगर वीजा ही नहीं मिला तो क्या फायदा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड, ये कई मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट्स हैं जो कनाडा में मेरे से मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं 1 साल के फीस कम के चक्कर में यहाँ आ गया और उसके बाद मेरे को 1 साल का वर्क मिला, आपके यहाँ क्या करूँ, उसके पास इनफ टाइम नहीं होता जॉब सर्च करने के लिए, अगर PR अप्लाई करने के लिए। तो मैं उसे कहता हूँ, भाई आपको अगर आप 2 साल करते, अगर आप दूर की सोचते तो आपको 3 साल का मिल जाता, लेकिन आप इसमें आप फंस गए, आप क्या करें, दे हैव टू स्टडी अगेन, फिर आपको खर्चा करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पैसे को ना देखो, देखना तो चाहिए पैसे को कि ठीक है आगे, बट अल्टीमेटली आपका ये एक डिज़ाइन है कि आपको इमिग्रेशन लेनी है इन फ्यूचर। तो आपको अगर 2 साल की पढ़ाई करोगे आपके पास, अगर आप जैसे यहाँ पर 6 महीने बाद पढ़ाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई नहीं करनी है या कुछ और, यू नो, वट एवर, कोई चक्कर चल जाता है आपका, जॉब का जॉब मिल जाती है, तो आप विड्रॉ कर लेना, उसमें क्या बात है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट आते हैं, जितने भी इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, सारे कोई अमीर तो है नहीं वहाँ पर, और यहीं पर आकर वो पढ़ते हैं और काम करते हैं और अपनी अगले साल की ट्यूशन फीस देते हैं। तो आपको 1 साल का इंतजाम होना चाहिए, और वो सरकार भी ये कहती है आपके पास 1 साल मांगते हैं, आपको 2 साल का तो पैसे मांग नहीं रहे हो आपसे भी। तो आप अगर आप मेरी मानो, तो अगर आपको 2 साल का मिलता है तो 2 साल का लो, 1 साल के लालच में वो ऐसा ना हो कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, और वीजा मिल भी जाएगा तो इन फ्यूचर फिर आपको धक्के खा के फिर दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट डज नॉट मेक सेंस। करेक्ट, ये आपने सही बात बोली। मतलब मैं, हम लोग क्या सोच रहे थे बिफोर टॉकिंग टू यू, कि हम लोग ने सोचा था कि मैं पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं 1 साल का पढ़ूंगा and my wife will be on a spouse visa, then she will work and then I'll be on a spouse visa. So ye hum log soch rahe the, but definitely that is not so easy like we were thinking. In life you got to take right action at the right time. At the present moment of time, I would strongly recommend that you take 2-year program
two-year program is beneficial long-term for your working rights and for your PR and job search and your wife getting a work permit, and then she maybe she's exploring for her own jobs and other things. बच्चे हैं आपके? हाँ सर, अभी 8 months बेबी है जो. हाँ ठीक है. हाँ तो अगर अगर आप एक साल के अगर वर्क परमिट जाएंगे फिर आपको फैमिली को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये और दूसरी प्रॉब्लम है जो आप पहले हमने इसके बारे में टच नहीं किया. अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ और आपका बच्चा भी साथ जाए तो एक साल का अगर आप उस कोर्स लेंगे आपके पास इनफ पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको वीजा ही ना दे. वो कहेंगे एक साल का तो कोर्स ही है तो आप इन सबको तामझाम को लेने की जरूरत क्या है. दो साल का कोर्स लेंगे तो एटलीस्ट देयर सम जस्टिफिकेशन कि आप पूरी फैमिली को ले जा सकते हैं. सो आप मेरी बात माने, अगर मेरे से पूछ रहे हैं सलाह पूछ रहे हैं तो आप 2 साल का प्रोग्राम लें. ओके श्योर, थैंक यू सो मच. एंड स्पाउस वीजा पे शी कैन वर्क फुल टाइम. हाँ आपकी आपकी पत्नी फुल टाइम काम कर सकती है कहीं भी, ऑल ओवर कनाडा कहीं काम कर सकती है. उनकी काम पे कोई बंदिश नहीं है. ठीक है. Basically, मेरे तो ये questions थे. आपके अपने अपनी पत्नी अपनी पत्नी से भी पूछ लें, उनके पास भी कुछ सवाल होंगे कुछ. हेलो. हेलो नमस्कार. नमस्ते. मुझे पूछना था कि मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी आपकी और मुझे ये पूछना था कि अगर मैं आती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ और मुझे ओपन वर्क परमिट मिल रहा है तो मेरा भी ये वर्क परमिट 5 years तक रहेगा जब तक इनका जो इनको 3 साल का मिलता है as in, कि मेरा 2 साल तक ही है जब तक ये पढ़ाई करते हैं वहाँ पे. आपने सही सुना और सही कैलकुलेशन करी और सही आप सही लकीर पे जा रहे हैं. इनकी पढ़ाई है 2 साल की तो आपको छूटते ही आपको 2 साल का परमिट वो मिलेगा और जब इनकी पढ़ाई खत्म होगी तो इनको 3 साल का मिलेगा, उसके साथ आप भी कंटिन्यू जाएंगे. तो इन ऑल आपको 5 साल के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार है. सर मुझे अभी मैं जब यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा था तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट. तो इसके बारे में आपने कुछ सुना है? मतलब I was finding very mixed reviews online. इसके बारे में मैं सुना हुआ है और रोज भी सुनता हूँ और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये ना लें क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी रेपुटेशन इतनी हाई नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट आजकल इंडिया में और कई कंट्रीज में कई सारे एजेंट हैं, दलाल हैं, कंसल्टेंट हैं जिनको कमीशन मिलती है. ये दुकान है एक, आपको आपको थोड़ा बता दें आपको अगर आपको बुरा ना लगे. यूनिवर्सिटी बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस हर जगह दुनिया में एक दुकान है. इसमें एक जो कस्टमर है वो स्टूडेंट है, हम आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं और आपको डिप्लोमा दे देते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ या डिग्री दे देते हैं. तो यूनिवर्सिटी हर एक की एक रैंकिंग होती है. जैसे अगर आपको MBA करना है तो एक इंसान MBA करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, एक करता है कुछ और में और यूनिवर्सिटीज़ का एक हर एक चीज़ का रैंकिंग है. डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हो उसके हिसाब से आपको जॉब मिलती है, खर्चा भी वैसे ही है. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट का एक प्राइवेट, मैं किसी को आई डोंट वांट टू डिग्रेड एनीबडी बट इट्स नॉट एज हाईली रैंक्ड एज अदर यूनिवर्सिटीज़. लाइक उसी एरिया में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया है, रॉयल रोड यूनिवर्सिटी है, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी है, उस एरिया में जहाँ पर आपने कहा BC में, तो वहाँ उनके उनके ऑप्शन ज़्यादा हैं, उनकी रेपुटेशन ज़्यादा है. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में तो हर एक कंसल्टेंट आजकल मैंने देखा है इंडिया में, वो दुकानदारी उसमें बोर्ड लगा रखा है खुल गया MBA खुल गया यहाँ कर दो, क्योंकि उनमें कमीशन मिलती है. मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा नहीं क्योंकि मेरे पास उनकी कोई कमीशन का कोई सिस्टम नहीं है. मेरा ख्याल है कि अगर मेरी दुकान है बम्बई में, आप बम्बई में है ना? अगर मैं अपना ऑफिस खोलूं नैरीमन पॉइंट में और बोलूं जी खुल गया आ जाओ जी MBA खुल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट का एक बोर्ड लगा हुआ है, सबका एडमिशन करा दिया और 1 साल की फीस उनकी कम से कम मेरे ख्याल $25,000-$30,000 है, कितनी आपने चेक करा? टोटल 35 है, 2 साल टोटल 2 साल की, तो 1 साल की करीब 18,000 मान लो. 1 साल की फीस के लिए मेरे को जो कमीशन मिलेगी कम से कम 2500-3000 तक मिलेगी. $2500 $3000 मेरे को कमीशन मिलेगी, आपका एडमिशन मैं कराऊंगा वहां पर. इसका मतलब कि देखो अगर मेरा मुंबई में ऑफिस है, अगर मैं महीने का 2 एडमिशन भी कराता हूं तो मेरी कितना हो गया 1.5-2 लाख रुपए मेरी कमीशन तैयार है. धंधा ही अच्छा है. तो इसलिए जो कंसल्टेंट्स हैं एजेंट्स हैं इस ऐसी यूनिवर्सिटी को बेचते हैं जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलती है. वो लोग UBC को क्यों नहीं बेचते, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को क्यों नहीं बेचते,
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को क्यों नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ से कमीशन नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलती इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करते, ये बात है। बाकी अगर आपको चॉइस है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, कीप यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट एट द लोअर एंड। ठीक है सर, तो एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक दैट जो पूछना था वो हम पूछ चुके आपसे। आप कोई सजेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी? आपने एक अभी तक एक अहम सवाल पूछा नहीं है, मैं सवाल के लिए वेट कर रहा हूँ बहुत देर से, आपने सवाल पूछा नहीं अभी। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आपके बच्चे का क्या होगा? अब वो तो एक्चुअली सर मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा, मैंने आपका वीडियो देखा था एक, वेयर यू वर सजेस्टिंग वन पर्सन हु वाज 45 इयर्स ऑफ एज, जिसको दो बच्चे थे, एंड ही हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि बच्चे के पढ़ाई का क्या, एंड आपने बोला था कि आपके ऊपर फ्री में भी करा सकते हैं एंड पेड भी करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं इसके बारे में टच कर देता हूँ, बच्चे का जो बच्चा आपका कितने, एक साल से कम है ना अभी? हाँ, एक साल से कम। हाँ, एक साल से। तो बच्चा जो है स्टूडेंट जो है फादर के साथ ही जाएगा, और बच्चे के साथ बच्चे की माँ भी जाएगी, और ऑफ कोर्स ऑल थ्री ऑफ यू गो टुगेदर। और बच्चा अभी क्योंकि छोटा है, इसको मिलेगा विजिटर वीजा अभी, जब तक ये 5 साल की एज तक इसको विजिटर जब वीजा मिलेगा, तो ये जब जब एयरपोर्ट पे उतरेगा तो इसको विजिटर परमिट इशू होगा, डेट मीन्स के ही कैन यू नो कंटिन्यू यू नो। आपको पहले उसको 2 साल का मिलेगा डिपेंडिंग ऑन फादर के स्टडी वीजा पे, और उसके बाद सो जब तक 5 साल तक ये ऐसे ही रहेगा विजिटर, मतलब घर पे रहेगा, खेलेगा कूदेगा, और उसके बाद जब फिर वो स्कूल जाएगा तो उसको फिर वो स्टडी वीजा मिल जाएगा, स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा विद इन कैनेडा मिल जाएगा, और उसके बाद वो यहाँ के जो स्कूल जाएगा, और यहाँ पर उसकी फीस आपकी लगेगी जीरो, फीस नहीं लगेगी। तो कम से कम अगर आप, अगर कोई लोग सोचते हैं कि भाई हमें कनाडा में यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा हो रहा है 2 साल का, वो अगर आप सोचो कि आपने अपने बच्चे को एडमिशन कराया इंडिया में, उसका कितना खर्चा होने वाला है, तो वो खर्चा आपका है बच जाएगा। करेक्ट सर। एक और क्वेश्चन अभी बच्चों को लेके, एक और क्वेश्चन, सिंस वी आर मतलब वी आर देयर फॉर 5 years, एंड व्हाट इफ वी हैव अनदर चाइल्ड देयर, क्या बात है, सो विल दैट, मैं बताता हूँ, ये बड़ा फेवरेट सवाल है स्पेशली इंडियन इंडियन यू नो क्लाइंट्स का, कि भी बच्चा अगर वहाँ पर होगा तो उसका क्या होगा। उसकी मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बता देता हूँ, बच्चा जैसे ही आपका पैदा होगा तो बच्चे को कनाडा की नागरिकता मिलेगी, कनाडा की सिटीजनशिप उसका हक है इस वक्त, और उसको कैनेडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा, उसको इंडिया का पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको ही विल गेट कैनेडियन पासपोर्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई विदेशी है, अगर कोई अमेरिका का कैनेडियन का सिटीजन है, अगर वो इंडिया में रह रहा है बाय चांस, क्योंकि लोग रहते हैं काम करते हैं, अगर उनका बच्चा अगर इंडिया में पैदा हो तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इंडियन सिटीजनशिप देती है कि नहीं? हाँ देती है। आई डोंट थिंक सो। देती है। आपको किसने कहा? नहीं देती। नहीं देती। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है रोज इसको पढ़ना, मेरे को पता है। अगर कई लोग अमेरिकन कैनेडियन ब्रिटिश जर्मन काम करते हैं, गुड़गांव में नोएडा में काम करते हैं, जो बड़े बड़े जो आईटी के हैं, ऑफकोर्स उन्हें चाहिए भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन ये अगर बच्चा कहीं पैदा होता है, जिस धरती पे पैदा होता है, वहां की धरती की नागरिकता, वहां की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बच्चे को नहीं दी जाती। ये बहुत सारी कंट्रीज में है, इंडिया में तो नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया में तक नहीं देते जब तक पेरेंट्स पक्के ना हो, न्यूजीलैंड में नहीं देते जब तक पेरेंट्स पक्के, यूरोप में नहीं देते, यूरोप में बहुत, शायद इंग्लैंड में देते, विच आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं देते। अमेरिका और कनाडा में फ्यू कंट्रीज आई नो, नॉट ऑल, फ्यू कंट्रीज आई नो, कि अगर वहां पर माँ शायद टूरिस्ट भी है, माँ अगर स्टडी वीजा पे आई है, माँ अगर ऐसी समटाइम्स इवन इलीगल भी है, सपोज करो कि माँ का अगर वीजा ओवरस्टे हो गया और माँ इलीगल हो गई इस कंट्री में, और प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा डिलीवर हो गया, तो बच्चे को छूटते ही बच्चे को वहाँ पर उसको कहते हैं, भाई बच्चे जी आपको नमस्कार, ये लो आपका जो कैनेडियन पासपोर्ट। ऐसा आप सोच सकते हो कि भारत की सरकार आपको आपके बच्चे को किसी और विदेशी के बच्चे को देगी? आई डाउट इट। बिल्कुल। कुछ कंट्रीज यहाँ देख लें, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मस्कट में, कुवैत में, फलाना में, यहाँ पर 50-50 सालों से यहाँ पर इंडियन लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, और लोगों की फैमिली होती है, प्रेगनेंसी होती है, लेकिन उनके बच्चे को
कुवैत का, ओमान का, मस्कट का, यूएई का पासपोर्ट नसीब अभी तक नहीं है, नहीं है। तो इसलिए 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 धन है, धन धन है कैनेडियन सरकार, जो उनका रूल अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये। मेरे पास कई क्लाइंट्स है, कई क्लाइंट्स है यहाँ पर, जो लड़कियां आई हैं पढ़ाई करने, जो इंडिया से पढ़ाई करने लड़कियां आई हैं, जो पहला काम करती है, काम हम छोड़ो पहले तो बच्चा पैदा करो यहाँ पर, क्योंकि बच्चा होगा बच्चे से उनके उनके बच्चे का एक भविष्य सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे पास तो है चलो तो बन जाएगा, लेकिन बच्चे के पास एक कैनेडियन पासपोर्ट, क्योंकि क्योंकि गिव और टेक ये मैं असलियत आपको बोल रहा हूँ, शायद का हम मैं आपको बुरा लगे या मेरे को बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये कई बार मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं, लेकिन जो हमारे जो साउथ एशिया के लोग हैं, जैसे भारत के, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जो हमारा जो एरिया है, हम लोग की सिर्फ एक ही चाहत है, बाहर का पासपोर्ट। हमारे पास या तो अमेरिका का पासपोर्ट होना चाहिए, या तो कनाडा का पासपोर्ट होना चाहिए, या ब्रिटिश पासपोर्ट, या बाहर का पासपोर्ट होना चाहिए, इंडिया के पासपोर्ट से मजा नहीं आता हम लोग। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, कभी कभी आप बोले अपना सवाल बोले और कोई नहीं चलेगा, बस वही बेसिक एक के बाद मतलब एक सवाल से दूसरे सवाल आते गए, फिलहाल तो अभी हम लोग को कुछ ध्यान नहीं। मैं तीन चीजें हम लोग का टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तीन चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ, आपकी फोटो चलेगी भाई, मैं तीन चीजें रिपीट कर देता हूँ एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस कन्वर्सेशन, तीन चीजें मैं रिपीट कर लेता हूँ कि आपकी इंग्लिश हाई होनी चाहिए, आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए, फंड्स अच्छे होने चाहिए अगर आपको पूरी फैमिली को ले जाना चाहते हो, और आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी में लो, और यूनिवर्सिटी वो लो जो ब्रांडेड यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है। I don't consider University of Canada West as a branded university. आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो अच्छी यूनिवर्सिटी लो। अगर आपके पास ये चार फैक्टर्स हैं तो आपके वीजा के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर इनमें से एक भी फैक्टर कमजोर हो जाता है तो वो वीजा के चांसेस को कमजोर कर देगा। बस इतना ही मेरे को कहना है। और आखिरी बात चलते चलते आपसे ये भी कह दूं कि इस वक्त कैनेडा को, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ये सब धंधा है, दुनिया का धंधा है यूनिवर्सिटीज। मैं यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज मानता ही नहीं हूँ, यूनिवर्सिटीज दुकान है। जैसे कि हम कुछ सामान बेचते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, तो यूनिवर्सिटीज भी स्टूडेंट्स को क्लाइंट मानती है, उनसे पैसा लेती है और आपको हाथ में कागज पकड़ा देती है कि ये आपकी डिग्री है, जाओ करो। और यूनिवर्सिटीज को इस वक्त क्लाइंट्स की जरूरत है, और इंडिया, चाइना और ऐसी कंट्रीज हैं, काफ़ी सारी जो कंट्रीज है वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो जितने भी दुनिया छोड़ छोड़ के कैनेडा, अमेरिका भाग रही है, तो ये उनकी एक ज़रूरत है कि आ जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस करके उनका बिजनेस डाउन है, और कोरोना वायरस करके वो सोच रही है कि क्लाइंट्स मिले, क्लाइंट्स मतलब कि जैसे आप हो, आप कम से कम 30-35 हज़ार डॉलर लेकर आओगे वहाँ पर, तो ये अच्छी मोटी मोटी कमाई है, इसलिए वो आपका इंतजार कर रही है वो। तो आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी विच कैन मतलब जो हम मेरे पास तो यूनिवर्सिटीज तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप बताइए, आप मैं आपको बता दूंगा कि आप यूबीसी में जाओ, यूबीसी में आपका एडमिशन होगा नहीं, आप मेरे को एक दो नाम ले दें, मैं बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें बेटर है। अभी तक हमने उतना रिसर्च नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत कंफ्यूज ऑप्शन ही एक्सप्लोर कर रहे थे, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि अब इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स थे वो नहीं बढ़ रहे थे, तो अब तक एक्सप्रेस एंट्री में तो हम है ही, मगर अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो नीड टू चेक फॉर दैट। आप ऐसा करें कोई बात नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आप गूगल पे रोज का 1-2 घंटे अपना टाइम दें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ें, आप रेगुलर यूनिवर्सिटी पे गूगल पे आए और गूगल पे जो आपका जो कोर्स पढ़ना है, आपको जो भी कुछ पढ़ना है वो टाइप करें, डिग्री कोर्सेज और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन कनाडा, और उसके डिप्लोमा जो आपने बोला, आई थिंक वी विल डू दैट। तो सारी सर्च आप गूगल पे कर सकते हैं, आपको किसी भी कंसल्टेंट एजेंट के पास जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि उनको कमीशन मिलती है, इसलिए उनको वही इंटरेस्टिंग लगेगा जहां पर उनसे कमीशन मिलेगी, नॉट नेसेसरली आपका जो फायदा हो सके। तो आप लिस्ट बना ले, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप ऐसे बोलें, ऐसे लिखें कि लिस्ट ऑफ रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, और आप 3-4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, 3 में भी अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल जाएगा।
और तो एडमिशन का सॉरी प्रोसीजर वहां पर ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑनलाइन उनकी वेब वो बनी, एप्लीकेशन बनी हुई है, ऑनलाइन ईमेल दिया हुआ है, ऑनलाइन फोन नंबर सब कुछ दिया है, आपको कहीं भी अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन और वहीं से करके आप मिलेंगे। और सेशन आप लें जनवरी 2021 तो आपको आप जैसे अभी ये पेंडेमिक है तो यू थिंक दैट बाय 2021 सब जो यूनिवर्सिटी है वो लोग ले लेंगे कि ये भी कौन अगर कौन हो सकता है कि अरे ये लोग शायद दे आर जैसे आप बोल रहे हैं कि धंधा है एंड कोई भी यूनिवर्सिटी धंधा करेगी पेंडेमिक का टाइम है, बिजनेस तो हमेशा रहेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कोरोना वायरस ठीक होगा नहीं होगा, आई कैन नॉट गारंटी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको फर्स्ट स्टेज अप्रूवल में आपको जब दे देते हैं तो उसके साथ आपकी जो पढ़ाई है आपकी यहीं से इंडिया से बैठे बैठे थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन हमें पढ़ाई पढ़ाई तो आपको कर ही लोगे, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, हमारा तो चैलेंज, हमारा चैलेंज ये है कि स्टडी वीजा ग्रांट होना चाहिए, स्टडी वीजा, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो एक लक्ष्य है, जो अर्जुन का एक तीर है जो चलेगा बिल्कुल उसको, लक्ष्य हमारा ये है कि आपको वीजा मिलना चाहिए, वीजा मिल गया तो आपने एक दो महीने अगर आपको ऑनलाइन बैठे बैठे मुंबई में पढ़ाई करनी है सो व्हाट, जब जब फ्लाइट खुलेगी तब चले जाओगे। ठीक है सर, ठीक है भाई, एवरीथिंग गुड, कोई अगर थैंक यू सो मच, कोई अगर भूल चुक हुई तो उसकी माफी चाहते हैं, कई बार कई बार मैं ज्यादा बोल जाता हूँ और लोग फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं, कई बार मेरे को आई मीन आई आई डोंट केयर अबाउट यू नो बट सम पीपल विल टाइप कमेंट्स ऑन माय वीडियो सेइंग कि आप बहुत नेगेटिव बात कर देते हो, आप बोलो कि जी ये नहीं है, आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा को मैंने कह दिया कि ये वो अच्छी बुक है, आप कैसे कह सकते हो जी ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हमें तो वीजा मिल गया, वो मैं कहा भाई तो जो सच है वो आप बताते हैं, आप वहां पे 20 इयर्स से आप ये काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इतना आइडिया होगा कि जो कमेंट लिख रहा हो, मेरा मेरा रोज का आइडिया, रोज का आइडिया नहीं, मैं रोज आप जैसे लोगों से एटलीस्ट 5-6 लोगों से रोज मैं बात करता हूँ, सो मैं ये पिछले पिछले मतलब कनाडा में 13 साल से तो मैं ये काम कर रहा हूँ रोज, तो रोज का तो मेरा ये सिर्फ ये मैं किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मेरा रोज का इंटरेक्शन है उससे बता रहा हूँ, और बाकी आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, यू नो माय जॉब इज टू गिव यू द रियलिस्टिक ट्रुथ, आपको सच्चाई बताना, आपको शीशा दिखाना, वो मेरा काम है, किसी को पसंद आए तो भाई ठीक है उसका फायदा, हो सकता है नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये दिस इज माय जॉब एंड दिस इज व्हाट आई डू, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द कमेंट्स आर, बट हाँ कमेंट्स में सबके पढ़ता जरूर हूँ और जवाब में कुछ के देता हूँ, सार के जवाब नहीं देता, मेरे को लगता है कि हाँ जवाब देने वाला तो जरूर मैं जवाब देता हूँ, बाकी जो इस तरह के रूटीन क्वेश्चन है उनके आंसर काफी और पुराने वीडियोज में भी पड़े हुए हैं, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नमस्कार, गुड लक, थैंक यू।